हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी कॉमर्स। आज करने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ का क्विक रिवीजन, सुपर फास्ट तरीके से। लेकिन हाँ, ये जो फास्ट एक्सप्रेस होगी, ये जर्नी बेहतरीन लेकर जाएगी, क्योंकि मैं आपको हर एक ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की बात करें तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है जब कभी भी कोई भी पार्टनर फर्म में अच्छा फील नहीं कर रहा होता है और फर्म से जाने की सोचता है, तो वो फर्म से जा सकता है बाय गिविंग अ प्रायर नोटिस, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सेम अगर बात करें डेथ की, तो भाई डेथ में तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पार्टनर की अचानक मृत्यु हो जाती है और वो फर्म से चल बसता है। तो अब ये दोनों ही चीज में एक चीज कॉमन है, क्या कि अगर तीन पार्टनर है तो दो हो जाएंगे, चार है तो तीन हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के एक पार्टनर कोई ना कोई जा रहा होता है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब एग्रीमेंट टोटली चेंज हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो आपको ये तमाम चीजों के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, न्यू रेशो निकालना पड़ता है, एसेट लाइबिलिटी को रीअसेस और रीवैल्यू करना होता है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना होता है, रिजर्व वगैरह का ट्रीटमेंट करना होता है। साथ ही साथ ये जो पार्टनर जा रहा है, ऑब्वियसली बात है वो फर्म से जा रहा है, तो उसने जितनी भी कैपिटल लगाई थी वो सब कैपिटल का हिसाब करना पड़ता है कि भाई कितना पैसा उसको देने का बनता है, साथ ही साथ वो पैसा उसको दे दिया जाता है। तो ये इतने ट्रीटमेंट जो है ये सब किए जाते हैं रिटायरमेंट और डेथ की कंडीशन पर। चलिए अब एक एक करके सबको सीखते हैं। पहले बात करता हूँ न्यू रेशो और गेनिंग रेशो की। तो कैसे पता चलेगा कि न्यू रेशो क्या है और गेनिंग रेशो क्या है, तो ध्यान से समझना कि जब आपको ओल्ड रेशो बस गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल आपको 3:2:1 दिया है और बोल दिया कि सी रिटायर हो रहा है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब सिर्फ ओल्ड रेशो के बन हो, न्यू रेशो के बन ना हो, तो आप डायरेक्टली जो पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है, उसके शेयर को आप क्या कर दोगे, गायब कर दोगे। मतलब 3:2:1 का 1 गायब हो जाएगा, बचेगा क्या 3:2, और यही आपका न्यू रेशो और गेनिंग रेशो भी कहलाएगा। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं भाई कि जब रिमेनिंग पार्टनर जो हो वो प्रॉफिट शेयर ले कोई एग्रीड रेशो पर, मतलब यहाँ पे पता तो था नहीं कि न्यू रेशो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जब न्यू रेशो गिवन हो तब क्या होगा, साथ ही साथ ऐसा पता हो कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर किस किस को कैसे कैसे देकर जा रहा है, ये जब सब गिवन होगा उस टाइम पर जो गेनिंग रेशो कैलकुलेट होगा वो होगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो के आधार पर। ये तो बात होगी रेशोज की। अब बात करते हैं कि किस तरीके से एसेट और लाइबिलिटीज को ट्रीट किया जाएगा। तो देखो, एक बात ध्यान से समझना कि जब भी पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो उसकी रिटायरमेंट से पहले वाली जो बैलेंस शीट होती है उसमें बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है और बहुत सारी एसेट्स होती है। आपको एक बार ध्यान से समझनी होगी कि एसेट्स को रीवैल्यू और लाइबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है, एक बार खंगाला जाता है, देखा जाता है कि अरे हमारी बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी है कहीं मार्केट वैल्यू में तब्दीलियां तो नहीं आ गई, चेंजेस तो नहीं आ गए, तो इसलिए एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू और रीअसेस किया जाता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी ये खंगालने में रीवैल्यू और रीअसेस में पता चलता है कि अरे क्रेडिटर को 10,000 रुपए देने थे ऐसा लिखा हुआ है पुरानी बैलेंस शीट में, और पता चला ये क्रेडिटर तो निपट गए, या ये क्रेडिटर में से आधे क्रेडिटर तो मांग ही नहीं रहे पैसा, तो इसको बोला जाता है कि भाई जो लाइबिलिटी है उसमें चेंजेस आ गए। ऐसे ही कोई मशीन आपको ऐसा लग रहा था कि भाई 10,000 रुपए की है, लेकिन वो मशीन तो पूरी खराब हो गई, तो अब क्या, मतलब उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू तो पूरी गायब हो गई, तो इसको बोला जाता है कि जब आपने एसेट्स को रीवैल्यू किया तो पता चला कि कुछ एसेट की वैल्यू ही गायब हो गई। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है, एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी गेन्स होते हैं वो क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं वो डेबिट साइड लिखे जाते हैं। अब आपको समझना होगा कि लॉसेज और गेन्स क्या क्या होंगे। पहले बात करते हैं लॉसेज की। लॉसेज मतलब कि पहले आपको किसी को 4,000 रुपए देना था ऐसा बैलेंस शीट में लिखा था, अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब जब रीअसेस किया लाइबिलिटी को तो पता चला कि 5,000 रुपए देना है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, तो ये आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, एक तरीके का लॉस कहलाएगा। ठीक, तो बेसिकली आप इसको लिख दोगे। ऐसे जब कोई एसेट की वैल्यू घट जाएगी, मतलब कोई एसेट फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर आपको लगता था कि 5,000 का है, लेकिन जब आपने उसको रीवैल्यू किया तो पता चला नहीं तो सारा 3,000 का निकला। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कि आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो क्या ये भी एक तरीके का लॉस है, इसलिए लिखा जाएगा। साथ ही साथ कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई ऐसा व्यक्ति जो अचानक आके बोलने लगा है पैसा निकाल चल 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 चल, तो बेसिकली ये क्या है, ये आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये भी एक तरीके का क्या है, लॉस है। यहाँ पर आपको एक बात ये समझनी होगी कि पुरानी बैलेंस शीट की कंपैरिजन में न्यू बैलेंस शीट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप गेन या लॉसेस देख रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ गेन्स की, तो जब कभी कोई एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो गेन कहलाता है, वहीं किसी लाइबिलिटी की वैल्यू अगर घट जाती है तो वो भी गेन कहलाता है।
ऐसे अगर बात करें अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, तो मतलब है कि ऐसी कोई एसेट जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया था आपकी बुक ऑफ अकाउंट में, और पता चला रहे वाह ये एसेट तो मेरे पास थी, तो इसको आप रिकॉर्ड कर लोगे तो आपका बेसिकली क्या होगा, गेन होगा। तो जितने भी गेन्स होते हैं वो क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं वो डेबिट साइड लिखे जाते हैं, एंड एट द एंड बैलेंसिंग कर ली जाती है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो गेन होगा, प्रॉफिट होगा, जिसको बांट दिया जाएगा अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। सेम अगर आपके डेबिट साइड की आइटम्स ज्यादा है, क्रेडिट साइड के आइटम्स कम है, तो वो क्या लगेगा, लॉस, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन द ओल्ड रेशियो। अब बात करते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट की। तो देखो गुडविल दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज गुडविल जिसको एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोला जाता है, और एक होती है रीसेंट वाली गुडविल जिसको तुरंत वैल्यू किया जाता है। तो जो परचेज गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, ये गुडविल हमेशा ध्यान रखना रिटर्न ऑफ की जाती है ओल्ड पार्टनर्स में इन द ओल्ड रेशियो। एक बात ध्यान रखनी है, जो गुडविल आपको मिलेगी हमेशा आपको मिलेगी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। वही अगर बात करूं दूसरी टाइप की गुडविल की, तो ये जो गुडविल रहती है आपको एडिशनल फॉर्मेशन में गिवन रहती है, गुडविल इज वैल्यूड एट, जब भी ये वर्ड लिखा हो कि गुडविल इज वैल्यूड एट, तो समझ जाना है वो वाली गुडविल है जिसका कंपेंसेशन देना है, ठीक है। और ये जो वाली गुडविल होती है जिसकी मैं बात करूं, सेकंड वाली वैल्यू वाली, ये गुडविल जो होती है ये पूरी फर्म की रहती है, तो इस फर्म की गुडविल में से पार्टनर का शेयर निकालना पड़ता है, और पार्टनर का जो शेयर निकलता है वो पार्टनर का शेयर गेनिंग पार्टनर्स द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसकी जो जनरल एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखो जो भी शेयर निकलेगा रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का, वो शेयर गेनिंग पार्टनर देंगे इन द गेनिंग रेशियो। अब कैलकुलेशन कैसे होगा फटाफट से देख लेते हैं, ये तो मैंने एंट्री आपको बता ही दी है। अच्छा ध्यान से समझो कि फॉर एग्जांपल गुडविल की वैल्यू कितनी, 1,20,000, और जिसमें से आप बोल रहे हो कि ओल्ड रेशियो है 3:1, न्यू रेशियो है 3:2, मतलब ऑब्वियसली बात है गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही होगा। तो यहां पर आप पहले क्या करोगे, 1,20,000 का शेयर निकालोगे सी का, कि सी कितना हिस्सा है सी का, 1/6 करोगे तो कितना जाएगा सी का शेयर, 20,000 आ जाएगा, जो कि दिया जाएगा किसके द्वारा, ए और बी द्वारा इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक। 20,000 रुपए क्रेडिट होंगे और डेबिट होगा यहाँ पर 12,000 और 8,000। अब बात करते हैं जनरल रिजर्व के ट्रीटमेंट की। तो ध्यान रखो जनरल रिजर्व जो होता है उसके भी दो तरीके के ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। एक तो फर्म अगर चाह रही है कि भाई चलो एक जो जनरल रिजर्व है उसको उठा के खत्म करो, पूरा बांट बूट के खत्म करो, तो जितना भी जनरल रिजर्व होता है वो पूरा डेबिट हो जाता है, और जितने भी पार्टनर्स रहते हैं ओल्ड वाले उनको क्रेडिट हो जाता है इन द ओल्ड रेशियो। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। वही अगर बात करें अगर पार्टनर चाह रहे हैं कि नहीं 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 जनरल रिजर्व को छेड़ना नहीं है, उसको रहने दो, बस एक काम करते हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो रो रहा है कि मुझे जनरल रिजर्व का हिस्सा चाहिए, तो उस टाइम पर क्या होता है जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं जो भी उसका शेयर गेन कर रहे होते हैं वो उसको उतना पैसा दे देते हैं जितने के लिए वो रो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व जो है वो है टोटल 60,000 और सी का शेयर निकल रहा है 10,000 का, तो जो 10,000 रुपए होंगे वो रिटायरिंग पार्टनर मतलब सी को दे दिए जाएंगे। कौन दे देगा, गेनिंग पार्टनर्स दे देंगे इन द गेनिंग रेशियो। अब बात करते हैं WCR के ट्रीटमेंट की। WCR मतलब होता है ऐसा रिजर्व जो कि वर्कमैन के क्लेम के लिए बनाया गया था कि कल को कोई आके मुआवजा मांगने लगा तो उसको पैसे दे देंगे, ठीक। अगर कोई क्लेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, WCR उठाओ और पार्टनरों में बांट दो, क्योंकि क्लेम तो है नहीं, कोई वर्कमैन तो आया नहीं और फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है, तो पार्टनरों में बांट दो। जब कभी भी क्लेम रिजर्व से कम हो तो उस टाइम पर ऑब्वियस सी बात है कि आप क्लेम इजीली दे सकते हो, तो जितने का भी क्लेम बन रहा है वो आप दे दो बाय यूजिंग WCR। अब आपने WCR को थोड़ा बहुत यूज कर लिया तो WCR में जितना भी पैसा बचेगा वो रिमेनिंग पैसा पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा इन द ओल्ड रेशियो। तो WCR पूरा जितना उससे डेबिट होगा, जितना क्लेम की तरफ जा रहा है उतना क्लेम की तरफ, और जितना बचा हुआ वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि जब WCR आपका कम पड़ जाए और क्लेम ज्यादा आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है यार आपको क्लेम तो देना ही पड़ेगा, तो जितने का क्लेम है उतनी की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आप क्या करोगे, WCR का जितना पैसा यूज हो पा रहा है ज्यादा से ज्यादा उतना यूज करोगे, अगर फिर भी डिफिशियंसी निकल कर आ रही है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर उस डिफिशियंसी को लिख दोगे, ठीक है जी। अच्छा अब एक और कंडीशन होती है, जब जितना क्लेम है उतना ही WCR, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा WCR उठाओ और सामने वाले को थमा दो, ले जाओ, पार्टनर को कुछ नहीं जाएगा उस टाइम पर, ठीक है। अब बात करें IFR की, तो IFR का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेसिकली ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट में आने वाले फ्लक्चुएशन से जो भी लॉसेज हो रहे हैं उनको रिकवर किया जा सके। जब कभी भी इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस नहीं होता, पहले तो ये बताओ कि लॉस निकालते कैसे, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इसका कंपैरिजन करके निकाला जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट पे घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है। तो जब कभी भी कोई लॉस हो ही ना, तो ऑब्वियस सी बात है कोई घाटा ही नहीं हुआ, तो आपका IFR तो ऐसे ही पड़ा है, तो पार्टनर को बांट दो उठा के पूरा का पूरा, ठीक है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा। लेकिन जब कभी भी पता चले कि अरे थोड़ा बहुत लॉस है, तो जितने का भी इन्वेस्टमेंट आपका घटा है उतने का इन्वेस्टमेंट घट जाएगा और आप IFR से उतना पैसा रिकवर कर लोगे,
और जितना भी पैसा फिर आपके आईएफआर में बचेगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ध्यान रखना रिमेनिंग पैसा जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, वही अगर बात करें जब आपका लॉस काफी ज्यादा हो और आपका रिजर्व कम पड़ जाए तो आप पूरा का पूरा रिजर्व यूज करोगे, ठीक है, और जितना भी लॉस आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास रिजर्व कम है, उतना जो एडिशनल लॉस होगा वो तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दोगे। ठीक है, एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट जितने से घट रहा है, जितने का लॉस है उतने से डिक्रीज हो जाएगा। राइट, अब अगर बात करें डेथ की, तो यार डिसीज्ड पार्टनर जो होता है जिसकी डेथ हो गई होती है उसकी डेथ तो कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि फाइनेंशियली स्टार्ट तो हो जाता है और P&L तो एट द एंड बनता है। ठीक, तो जिस भी डेट में उसकी डेथ हो रही, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट ऑफ टाइम उसकी डेथ हो रही है, तो यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात, उसको देना पड़ेगा प्रॉफिट, लेकिन P&L तो आखिरी में बनेगा तो हम यहाँ का प्रॉफिट निकाले कैसे? इसलिए जो प्रॉफिट होता है वो प्रीवियस ईयर के पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के आधार पर एक एस्टिमेशन निकाला जाता है। ठीक है, जो पार्टनर को प्रॉफिट दिया जाता है वो रियल नहीं होता, वो एक तुक्का होता है। क्यों? क्योंकि P&L तो अभी बना ही नहीं है, उसकी डेथ तो पहले हो गई है, इसलिए एक एस्टिमेशन निकाला जाता है। अब जो एस्टिमेशन होता है, जो कैलकुलेशन होता है एस्टिमेशन का, वो कैसे किया जाता है वो समझो। दो तरीके होते हैं, एक होता है टाइम बेसिस, एक होता है सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस पर आप क्या करते हो, पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर कैलकुलेशन करते हो और पार्टनर को प्रॉफिट दे देते हो। बेसिकली इसमें क्या होगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू जो पार्टनर मर रहा है उसका प्रॉफिट का शेयर इंटू नंबर ऑफ मंथ, जितने महीने वो जिंदा रहा, मतलब जितने महीने का आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो। क्योंकि ये जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, ऑब्वियसली बात है ये तो पूरी फर्म का है और साल भर का है। ठीक है, तो आपको उसमें पार्टनर का हिस्सा निकालना पड़ेगा और जितने महीने का आप निकालना चाह रहे हो उतना महीना लगाना पड़ेगा। ठीक है, वही बात करें दूसरे की, सेल्स बेसिस, तो इसमें क्या होता है कि जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था और टोटल सेल्स कितनी थी, उससे आप क्या करते हो प्रॉफिट मार्जिन निकालते हो। फॉर एग्जांपल पिछले साल 10 लाख रुपए की सेल्स हुई थी और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, मतलब कि जितनी भी सेल्स हो रही है उसका 10% आप मुनाफा कमा रहे हो। तो आप पता है क्या करोगे, इस साल पार्टनर की डेथ तक के, मतलब शुरू के महीनों में जितनी भी सेल्स होगी उस सेल्स से क्या कर दोगे, प्रॉफिट मार्जिन लगा के निकाल लोगे कि इतने महीनों का प्रॉफिट कितना हो सकता है। ठीक है, तो एक बार अगर आप जब वो प्रॉफिट निकाल लोगे तो आप फिर इजीली वो पार्टनर का शेयर लगाकर डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी सेल है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ उसमें लगाना है प्रॉफिट मार्जिन, जो कि पिछले ईयर के आधार पर आप कैलकुलेट करोगे। राइट, और फिर उसमें आपको पार्टनर का शेयर लगाना है, क्योंकि ये तो पूरी फर्म का निकलेगा ना, उसका शेयर तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब कई लोग पूछेंगे आप महीना क्यों नहीं निकाले, महीना इसलिए नहीं निकाले क्योंकि ये जो सेल आप ले रहे हो ये सेल पूरे साल भर की थोड़ी है, ये तो उसकी डेथ तक की डेट की है। ठीक, इसलिए आपको यहाँ पर महीना नहीं लगाना पड़ेगा। ध्यान रखो जब आप पार्टनर को उसके प्रॉफिट का शेयर देते हो, डिसीज्ड पार्टनर को उसके प्रॉफिट का शेयर देते हो, तो जो एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, अब बात करें कैपिटल अकाउंट की, बनता कैसे है। देखो ध्यान से समझना, रिटायरमेंट की कंडीशन की भी मैं बात कर रहा हूँ। रिटायरमेंट के टाइम पर सब पार्टनरों का आप बैलेंस लिख लेते हो, ठीक है, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर कर देते हो, जनरल रिजर्व जो भी बनता है सबके हिस्से का वो ट्रांसफर कर देते हो, WCR ट्रांसफर कर देते हो, IFR ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, अब ये जो पार्टनर है सी, ये रिटायर हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है सी को ए और बी गुडविल का हिस्सा दे रहे होंगे, तो ए और बी गुडविल का जो भी पैसा देते वो क्रेडिट हो जाता है। और इसने अगर कोई लोन दिया होगा फर्म को तो फर्म वो लोन का पैसा भी इसको वापस दे देती है। ऐसे करके तमाम चीजें क्रेडिट की जाती हैं। वही बात करें डेबिट की, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट किया जाता है, गुडविल जो रिटर्न ऑफ होती है वो डेबिट होती है, कोई P&L का डेबिट बैलेंस होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस वो डेबिट होता है। पार्टनर ये ए और सी में, ए और बी में डेबिट हो रहा है, हाँ ये जो सी कैपिटल है ये गुडविल वाला पैसा है जो कि ए और बी देंगे, तो यहाँ पे देखो सी में मैंने कुछ मार्क किया ही नहीं, ए और बी के अकाउंट में सी का जो गुडविल का शेयर दे रहे होंगे वो डेबिट होगा, वही जो यहाँ क्रेडिट हुआ वहां से डेबिट तो हो गई होगा। ठीक, अब बेसिकली क्या होगा, इतनी सारी चीजें जब आप लिख दोगे तो एक ऐसा हिसाब निकलेगा कि सबका कोई ना कोई बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास ध्यान रखना है जो ए और बी का बैलेंस आ रहा होगा उसको आपको बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से लिखना है, क्योंकि ये दोनों पार्टनर जिंदा है मालिक और रिटायरिंग नहीं है, कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो पार्टनर जा रहा होता है, ऑब्वियसली बात है सी जा रहा है, तो वो उसका बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिख सकते क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, उसके पैसे को देखो जो भी बैलेंस आ रहा है वो देने का निकल रहा होता है, ठीक है भाई, इतना पैसा उसको देना, रफा दफा करना है साहब। अगर आप जितना भी पैसा पे कर देते हो उतना आप बैंक अकाउंट के थ्रू यहां पर लिख देते हो, और जितना पैसा पे करना बाकी होता है उतना आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, तो ये हो गया रिटायरमेंट के टाइम पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं डेथ के टाइम की, तो यार डेथ के टाइम पर बहुत सारी चीजें आती हैं, जरूरी नहीं कि अक्सर आए,
लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता, मतलब अगर आपने इसको देख लिया तो आप एग्जाम में इसी के आधार पर सारे कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। सबसे पहले वही ओपनिंग बैलेंस, रिवल का प्रॉफिट, रिजर्व वगैरह सारे ट्रांसफर कर दिए, गुडविल का शेयर हो गया। इसके अलावा अगर पार्टनर को कोई सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन देना बनता है तो वो दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो प्रॉफिट अपन ने भी कैलकुलेट करना सीखे ना, वो जो इसको देंगे वो लिखा जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ऐसे डेबिट साइड में भी नॉर्मल चीजें सारी की सारी वही है। एक चीज खास क्या, ड्रॉइंग अगर कुछ ये किया होगा तो ड्रॉइंग इसके खाते से डेबिट की जाएगी। साथ ही साथ अब यहां पर अगर फर्म ने इसको लोन दिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है फर्म तो काटेगी, बोलेगी अरे तेरे को हमने लोन दिया तो तुम्हारा क्या, तेरे खाते से काटेंगे पैसा। तो यहां पर लोन जो सी को दिया गया होगा वो उसके खाते से काट लिया जाएगा, ठीक। ये तमाम चीजें लिखने के बाद, और अगर कोई लॉस का शेयर होगा तो लॉस वॉस का शेयर सब एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस ध्यान रखना टू सीज एग्जीक्यूटर के नाम से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सी तो जिंदा ही नहीं है ना भैया, उसको पैसा कैसे दोगे तुम, उसको एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तो एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें बैलेंस कैरिड डाउन की, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस कैरिड डाउन होगा, सी का नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब ये जो है ये मैंने अलग से डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। इस पीडीएफ को मैं हमारे टेलीग्राम चैनल नेमजी ऑफिशियल पर भेज दूंगा, जहां पर आप ये जो क्विक रिवीजन है ये एग्जाम के जस्ट 2 घंटे पहले एक बार नजर मार सकते हो। तो गाइज ये था रिटायरमेंट और डेथ का एकदम क्विक वाला रिवीजन, होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।